धूप बहुत तेज है आज, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, बादल भी हुए हैं फिर भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सारे खुले हुए हैं माशाल्लाह, गीली जगह पे जाकर बैठ रहे हैं, तो मैंने कहा आज खोल देते हैं इनको बाहर सबको, सब देखें। और मेरा बग्गू छोड़ के मैं नीचे गया था, मेरे ख्याल में वो नज़र नहीं आ रहा, या तो बिल्ली या इगल ले गई है उसको, इधर होना चाहिए था दोस्तों को नहीं है, या तो बाग के वो सब्ज़े पे आता था या फिर इधर आता था। बैर नज़र तो नहीं आ रहा, खून वगैरह कोई ईगल वगैरह ने उठाया हो तो खून पर होना चाहिए, इधर बैठा था। चलो देखते हैं वो किधर गया। आ आ आ आ आ आ, आ। ये देखिए मुर्गियों ने इधर अंडा दिया हुआ है दोस्तों, ये इस जगह पे अंडे दे रही हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जो इसमें से बच्चे भी जो नए हैं ना, वो भी मैंने सारे छोड़ दिए हैं दोस्तों, ये देखें। और एक वो बैठा हुआ है, वो पता नहीं किसका है, मेरा नहीं है। ये थोड़ा सा अपना पेट भरेंगे अब, फिर इनको बंद करते हैं दोस्तों। अंदर की सूरत हाल बच्चों की देख लेते हैं, ये देखें खा रहे हैं इधर बैठ के। ये थोड़ा सा खुला रहता है, एक एक टुकड़ा ना आता रहता है इधर। पहले मैंने पानी गिराया था इधर, तो ये एक अंदर है लालू, और ये मेरी गुगी माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गई है, दाने वगैरह इसको मैंने डाल दिए, आगे से काफ़ी बेहतर हो गई है माशाल्लाह दोस्तों। तोते भी काफ़ी बेहतर है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आज का भी लोग शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने इन सबको ना दाना वगैरह तक डाल दिए, और इधर बच्चे को देखने आया था मैं, इन्हें पेटियाँ वगैरह निकाल दी थी, ताकि मच्छर की वजह से ना बच्चों के दाने थे इधर नाक पे और पीठ पे बहुत ज़्यादा दाने बने हुए थे। तो इधर ये देखें, इसको भी बीमारी थी, माशाल्लाह काफ़ी आगे से बेहतर हो गई है। तोतों को गर्मी बहुत लग रही है, इनको कवर करना पड़ेगा बाहर से, ऊपर से तो कवर है, बाहर से ना इनको काटन वगैरह लगा के कवर करते हैं, ताकि जो हवा चलती है ना लो वाली, उससे बहुत मसला बनता है इनको। बाकी इनकी तो खैर होती है, कबूतरों और गुगियों की, मुर्गियों का मसला होता है। बच्चे देखते हैं माशाल्लाह किस किस ने निकाले हैं दोस्तों, बच्चे वो देखे काफ़ी बड़े हो गए हैं उनके, पर उनको भी मच्छरों ने इतना काटा हुआ ना, देखे नहीं जा रहे। ये देखे बग्गू किधर बैठा हुआ, देखे मैं इसको ढूंढ रहा था, ये कबूतर वाला केज में, इसका डर ही मुझे लगा रहता है, ताकि इसे भागा नहीं ना जाता, इसी वजह से इसका डर लग रहा था। 200 लक्कों का बच्चा एक डेड हो गया, मुझे आगे पता था ये डेड हो जाएगा, इसको कल मैंने अपने हाथ से चोगा दिया था पर फिर नहीं बच गया। कबूतर सारे बाहर उड़ गए, पता नहीं क्या हुआ, बिल्ली का अटैक हुआ कि ईगल का। बैठने देते हैं, बैठ गए, क्या हुआ इनको, ये सारे बाहर निकाले हुए हैं, तो आज ना ताकि बड़ी जो ईगल होती है ना वो इनको अटैक कर देती है, ताकि ये सारे बच्चे हैं, ये भी दो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ बच्चे हैं बाहर इसमें, तो बच्चों पे अटैक करती हैं ये ईगल। ये देखिए दोस्तों गुग्गी वगैरह इधर बैठी हुई हैं, वो लक्की का बच्चे का बहुत अफसोस हो रहा है, वो पता नहीं लक्की क्यों ऐसे करती है, या तो इनको अलग करना पड़ेगा मुझे इनमें से, ये किसी अलग केज में ना, इस दफ़ा उन्होंने अंडे फिर निकाल दिए लक्की दूसरी ने, तो इनको ना अब चलो बाहर, चलो बाहर बाहर बाहर,
ये कबूतर है लगा, ये देखें ये आ रही है बार बार उधर दोस्तों। इसको हुआ पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही मुझे। और उधर भी लक्की ने मेरे ख्याल में अंडे दे दिए। मैं सोच रहा था इन दोनों लक्कियों को और लक्के कबूतर को ला कर देते हैं। माशाल्लाह इधर बच्चे निकले लग रहे हैं, देखते हैं हम पास करके हैं भी कि नहीं। दो तो है नज़र, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे आप ऐसे। देख लेते हैं बाद में वीडियो में, देखते हैं आए हैं कि नहीं है। ये लक्की का इधर वाला बच्चा तो ठीक है, वो भी उसके पीछे बैठा हुआ। और ये भी दोनों कबूतर बच्चे काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं है। और तुम किधर बैठ गए हो, इधर बाहर हो, इधर कबूतरी ने अंडे दिए हैं मेरे ख्याल में। और एक ये बैठी हुई है, एक ऊपर तिनके वगैरह इकट्ठे कर रही है, बाकी ये घूम रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। ये बच्चे हैं दो नए निकले हैं, इनको मैंने अभी चेक नहीं किया। कलर तो प्यारा है इनका, देखते हैं उड़ते भी कि नहीं हैं। इसके हैं और वो जो ऊपर कबूतरी बैठी हुई है ये वाली दो इसके। आ ये देखे दोस्तों, तोते भी खुश हैं माशाल्लाह। नज़ला इतना ज़्यादा हो रहा है ना, पता नहीं गर्मी में नज़ला हो रहा है। मच्छर इतना ज़्यादा होता है, हमें बहुत काटते हैं, परिंदों को भी बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। पर रंग खुले होते हैं फिर भी इनको काटता बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इनकी समझ नहीं आ रही। मैंने इधर दूसरे वो लगाई हुई थी, स्प्रे की थी इधर दोस्तों, स्प्रे भी की हुई थी फिर भी ना पता नहीं। सारे बच्चों के दाने बने हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल में लक्के को ज़्यादा बच्चे थे ना। इधर मुंह पे भी दाने थे और परों पे भी दाने थे, जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल में जल्दी डेड हो गए। ये पता नहीं बाहर आने को आया है तो इसको बाहर निकाल देंगे, दो चार दिन देखते हैं ठीक होगी ना, फिर इसको बाहर ही निकाल दें। इसमें से इसने बाजरा खा लिया है तो बाकी नहीं खाया, इसको बाजरा और डाल देंगे, पानी वगैरह भी डालने वाला है। देखिए दोस्तों कबूतर अब सारे अपनी अपनी जगह पे भागे जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं बच्चे ने। मुर्गियाँ और ठंडे पानी के पास जाके बैठ गई, ये अभी अकेला ही है, इसके लिए ना अभी लेके नहीं आए हम। चलो दोस्तों आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर फॉलो कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।